लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सी गुरु जी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल की कठिनाइयाँ, या कहें जो डिफॉल्टर्स हैं, जो जीएसटी की रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरते, उनकी कठिनाइयाँ। जी हाँ, आप जो भी कहना चाहें इसी चीज से ये रिलेटेड है, क्योंकि ई वे बिल में चेंजेस तो होते ही रहते हैं। इस बार जो चेंज है बहुत ही बड़ा चेंज है, गवर्नमेंट की कोशिश है डिफॉल्टर्स को पकड़ने की। उसके लिए मॉडिफिकेशन किया गया है कि जिन पर्सन्स ने 2 टैक्स पीरियड्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की होगी, अब उन्हें जीएसटी पोर्टल ई वे बिल बनाने की भी अनुमति नहीं देगा। मतलब जो भी पर्सन डिफॉल्टर्स होंगे, 2 पीरियड्स की टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना अगर ई वे बिल बनाना चाहेंगे, तो पोर्टल उन्हें अलाउ ही नहीं करेगा, पोर्टल ब्लॉक कर देगा उनका ई वे बिल। और ये जो फैसिलिटी है ये पोर्टल पे स्टार्ट हो चुकी है। अब डिफॉल्टर्स अगर कोशिश भी करेंगे ई वे बिल बनाने की, तो नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट को सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप लोग रिटर्न नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट को क्या पता चलने वाला है, जी नहीं, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होता है। अभी भी गवर्नमेंट ने जो लास्ट नवंबर का डेटा देखा, उसमें 93 लाख यूजर्स ने जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करनी थी। मैं आपको अप्रोक्सीमेट डेटा बता रही हूँ, उसमें से सिर्फ 77 लाख यूजर्स ने ही वो रिटर्न फाइल की। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब ये चीज स्टार्ट कर दी है। वे बिल पोर्टल पे अभी अपडेट हो चुका है कि जो पर्सन डिफॉल्टर्स होंगे, जिन्होंने अपनी 2 या उससे ज्यादा पीरियड्स की रिटर्न नहीं भरी होंगी, वो अब ई वे बिल भी नहीं बना पाएंगे। और एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे थे कि अभी तक जीएसटी की रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहे थे, या कर रहे थे किसी भी रीजन से आप नहीं कर रहे थे, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप डिफॉल्टर से, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो पाई थी, तो अब आपके लिए सितंबर 2018 तक की रिटर्न फाइल करने का मौका गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है। सितंबर 2018 तक की रिटर्न आप विदाउट एनी लेट फीस फाइल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि पेनल्टी जो हटी है वो हटी है सितंबर 2018 तक के लिए। अगर आप अक्टूबर और नवंबर का देखें, क्योंकि अभी आप जितना डिले करते रहेंगे, तो अक्टूबर 2018, नवंबर 2018, साथ ही अब दिसंबर की भी रिटर्न ड्यू हो चुकी है, तो उनपे आपकी पेनल्टी बढ़ती रहेगी। तो मेक श्योर गवर्नमेंट के इस डिसीजन का फायदा ले, और जितनी जल्दी भरेंगे तो आगे की पेनल्टीज भी कम हो जाएंगी। और ई वे बिल में भी उलझने ना हो तो ऐसे डिफॉल्ट मत करिए, अपनी रिटर्न टाइम पे भरिए। गवर्नमेंट को एक डाटा और मिला है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स भरने से बचने के लिए एक ऑप्शन निकाली हुई है कि सिर्फ जीएसटी और 1 फाइल कर देते हैं, 3B फाइल ही नहीं करते। ऐसा मत करिए, बाद में ये सभी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके पास नोटिसेस आएंगे, केस लगेंगे, दिक्कतें होंगी, उलझने होंगी, तो ऐसे काम मत करिए। और अपने कंप्लाइंसेस जरूर करिए टाइम पे, और आपको कंप्लाइंसेस फॉलो कराने के लिए हम रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर वीडियोज अपने चैनल पे अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, उन्हें जरूर देखते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, आप खुद अपने जीएसटी के काम कर सकें। छोटी छोटी रिटर्न भरना मुश्किल नहीं है, आप इजिली फाइल कर सकते हैं जीएसटी की रिटर्न। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और जिसके भी साथ शेयर करना चाहेंगे साथ शेयर कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मुझे फॉलो करने के लिए सर्च करिए #CAGuruji और आपको हम मिल जाएंगे। और आप हमें फॉलो करिए, क्योंकि वहां भी हम आपकी क्वेरीज को आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।